नमस्कार, मैं हूं चेतेश्वर पुजारा और आपका बहुत स्वागत है ऑन द सेवेंथ एपिसोड ऑफ रूटर प्रेजेंट्स द नॉकआउट शो को पावर्ड बाय फेबूम फैंटेसी। आज के इस एपिसोड में मैंने आपके भेजे हुए हजारों सवालों में से कुछ सवालों का आज जवाब दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मनोज गुप्ता जी का नई दिल्ली से। आपने मुझसे पूछा कि वर्ल्ड कप में ऐसी कौन सी दूसरी टीम है जो बहुत ही स्ट्रांग है इंडिया के अलावा और इंडिया को काफ़ी टक्कर दे सकती है, और मैं ऐसा क्यों मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि इंडिया के अलावा इंग्लैंड की टीम काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि वो उनकी होम कंडीशन में खेलेगी, तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है वो काफ़ी है वहाँ पर खेलने का, और उनकी जो टीम है वो काफ़ी बैलेंस्ड है। उनके पास ऑलराउंडर्स बहुत ही अच्छे हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रांग है और उनकी बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी है, तो उनके पास जो एक टीम का संतुलन है वो काफ़ी अच्छा है। और रिसेंट उनकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रिसेंटली वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते आ रही है उनकी टीम, और उनके काफ़ी खिलाड़ी बहुत ही अलग अलग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़ गया है अभी। तो मेरे ख्याल से उनकी टीम में एक बहुत ही अच्छा संतुलन है और वो काफी स्ट्रॉन्ग टीम रह सकती है इस वर्ल्ड कप में। आज का दूसरा सवाल है सुंदरम सक्सेना पानीपत से। आपने मुझसे पूछा कि T20 टूर्नामेंट में पहले मैंने बैंगलोर, कोलकाता और पंजाब टीम से खेला हुआ है, तो इन तीनों टीमों में से मुझे कौन सी टीम में सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। मेरा अनुभव तीनों टीमों के साथ बहुत ही अच्छा रहा है, बट खास करके कोलकाता टीम के साथ काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि तभी इस टूर्नामेंट की शुरुआत थी और वो टाइम पे कोलकाता टीम में सौरव गांगुली दादा कैप्टन थे और सीनियर प्लेयर्स में रिकी पॉन्टिंग थे ऑस्ट्रेलिया से, तो इन सब प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मुझे मौका मिला और उनका जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, तो सीखने को काफ़ी चीज़ें मिली। और उसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत थी और एज अ यंग प्लेयर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी थी, तो वो जो अनुभव था बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का और उनसे नई नई टेक्निक या तो नए नए उनके जो अनुभव थे क्रिकेट के बारे में, वो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली। और इवन ऑन द फील्ड उनका जैसे प्रदर्शन कैसे रहता था, वो ऑफ द फील्ड क्या कैसे प्रिपेयर करते थे, और एज अ टीम जो प्रिपरेशन और प्लानिंग होती है वो समझ में मुझे वो टाइम से पता चला। और उसके बाद जैसे जैसे मैं खेलता गया, मैं पहले 3 साल कोलकाता टीम के साथ था, तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, तीनों साल का अनुभव बहुत ही अच्छा था, बट दूसरा साल साउथ अफ्रीका में खेले थे तो अलग कंडीशन में खेलने का भी एक मौका मिला था मुझे, तो वो जो एटमोसफियर था टीम का और वो जो एक्सपीरियंस था वो अलग ही था। आपने मुझे ये भी पूछा है कि इस T20 सीजन में मेरी फेवरेट टीम कौन सी है। ये टूर्नामेंट में मुझे लगता है कि हैदराबाद की टीम काफ़ी स्ट्रांग है। रीज़न ये है कि उनके ओपनर्स तो काफ़ी अच्छा करते आ रहे हैं, बट उसके साथ साथ उनकी मिडिल ऑर्डर भी काफ़ी स्ट्रांग है और उनके पास गेंदबाज भी बहुत ही अच्छे है, तो टीम का जो संतुलन है वो काफ़ी अच्छा है। उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, उनके पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, तो जो टीम की बॉलिंग स्ट्रांग है और उसके साथ साथ में बैटिंग तो अच्छी कर ही रहे हैं वो लोग, तो उनके पास एक मौका अच्छा रहता है कि अच्छा प्रदर्शन करे, तो जो संतुलन है टीम का वो बहुत ही अच्छा है। और मेरी जो फेवरेट टीम ये टूर्नामेंट की है वो हैदराबाद है। आज का तीसरा सवाल है अक्षय कोठारी उदयपुर से। आपने मुझसे पूछा कि करंटली ऑल दी 8 टीम्स हैव फॉरेन हेड कोचेस, एंड डज दिस मीन वी डोंट हैव एनी गुड इंडियन हेड कोचेस, और शुड द फ्रेंचाइजेस डिस्कवर न्यू हेड कोचेस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री लाइक द वे दे डिस्कवर न्यू टैलेंटेड प्लेयर्स। मेरा ये मानना है कि इंडिया में काफ़ी अच्छे कोचेस हैं और ऐसी बात नहीं है कि इस T20 टूर्नामेंट में इंडियन कोचेस एज अ हेड कोच नहीं रहे। पास्ट में अगर देखा जाए तो काफ़ी फ्रेंचाइजी के हेड कोचेस इंडिया से थे और अभी भी काफ़ी फ्रेंचाइजी के साथ कहीं ना कहीं कोई दूसरे रोल में इंडियन कोचेस है ही,
तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया में क्रिकेट के जो कोचेज है वो कम है, बट एट द सेम टाइम फ्रेंचाइजीज ऑलवेज नए कोचेज के साथ वर्क करती है, वेदर ड्यूरिंग द सीजन या तो ऑफ सीजन भी जब रहता है तभी फ्रेंचाइजी इंडियन कोचेज के साथ कहीं ना कहीं बातचीत करती है, कौन से टैलेंटेड प्लेयर्स है वो भी उनसे डिस्कस करती है। तो इंडियन जो कोचेज है वो काफी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और फॉरेन कोचेज की अगर बात करें तो ये टूर्नामेंट में पूरे कंट्री से प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कोचेज और सपोर्ट स्टाफ जो है वो भी पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं। तो जो बेस्ट उनको फ्रेंचाइजी को लगता है कि टीम को गाइड कर सकते हैं वैसे कोचेज को वो अपॉइंट करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि इंडिया के पास कोचेज नहीं है या तो उनकी कमी है, बट एट द सेम टाइम काफी नए कोचेज आ रहे हैं, और फ्यूचर में अगर देखेंगे तो काफी इंडियन कोचेज टीम के साथ बने रहेंगे। आज का आखिरी सवाल अर्नब बरुआ मुंबई से, आपने मुझसे पूछा कि डर्बीशायर, यॉर्कशायर और नॉटिंगहमशायर इन तीनों टीमों के साथ काउंटी खेलने का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा और मुझे क्या हासिल हुआ है। मेरा काउंटी क्रिकेट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है तीनों टीमों के साथ, और अगर क्या हासिल किया उसकी बात करें तो काउंटी क्रिकेट में मैंने जो भी मैचेस खेले उससे मेरी जो टेक्निक है उसमें काफ़ी सुधार आया। वहाँ की जो कंडीशन है वो सीमर फ्रेंडली होती है, फास्ट बॉलर्स को काफ़ी हेल्प रहती है वहाँ पर, और पूरा दिन विकेट में कहीं ना कहीं बॉल सीम होते रहता है, स्विंग होती है वहाँ पर बहुत ही गेंद। तो एज अ बैट्समैन जो टेक्निक में चेंजेस मुझे लाने थे वो मैं वहाँ पर जाके मैंने उसके ऊपर वर्क किया, और उसके बाद जब भी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सीमिंग विकेट पे खेला जहाँ पर फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प रहती है, तो वो टाइम पे मुझे जो अनुभव मिला काउंटी क्रिकेट का उससे काफ़ी फायदा हुआ। और उसके अलावा वो जो वेदर है वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना, उनसे क्रिकेट की बातें करना, उनसे क्रिकेट सीखना, और उनको मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करता था यंग प्लेयर्स के साथ, तो वो जो इंटरेक्शन था, जो क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट था, उसमें मुझे क्रिकेट का काफ़ी नॉलेज मिला, और जो एक्सपीरियंस था वहाँ खेलने का, और मेरे फैमिली के साथ मैं वहाँ पर ट्रैवल करता था तो फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता था, एट द सेम टाइम जो क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस था वो भी काफ़ी अच्छा था। टाइम आ गया है द फिगुम फैंटेसी पावर रैंकिंग्स के टेबल का, कौन से वो 10 खिलाड़ी होंगे जो मेरे पावर रैंकिंग्स के टेबल का हिस्सा बनेंगे आज, चलिए देखते हैं। सो आज मेरी रैंकिंग्स में थोड़े बदलाव है, चलिए देखते हैं क्या चेंजेस है। नंबर 10 पे होंगे श्रेयस अय्यर, नंबर 9 पे होंगे आर अश्विन, नंबर 8 पे एक नई एंट्री हुई है रायन पराग की, जो की शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं जयपुर टीम के लिए। नंबर 7 पे होंगे केएल राहुल, नंबर 6 पे इमरान ताहिर, नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बने रहेंगे। नंबर 4 और 3 पर हैदराबाद की जोड़ी बनी रहेगी, डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो की। नंबर 2 पे रहेंगे कगिसो रबाड़ा, और नंबर 1 पे वापस आ चुके हैं एंड्रे रसल उनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से। तो ये थी मेरी पावर रैंकिंग। ये थी मेरी रैंकिंग्स। अब आप फगुम फैंटेसी पर साइन करके खेल सकते हैं द ऑल न्यू रैंक फैंटेसी गेम और जीत सकते हैं रियल कैश एंड प्राइजेस। आज के लिए बस इतना ही, आप अपने सवाल मुझे ईमेल कर सकते हैं चेतेश्वर@router.io पर, और रूटर ऐप के ट्विटर हैंडल पर भी आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक रूटर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड करें और मेरे साथ जुड़े रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय फॉर नाउ, आओ जो।